नमस्कार दोस्तों, बजट सेगमेंट में गेमर को टारगेट करते हुए टेक्नो की तरफ से टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G मार्केट में लॉन्च कर दिए गए। और अगर आप ये फोन गेमिंग के हिसाब से खरीदने की सोचे हो या फिर आपने ये फोन खरीद लिया है तो गेमिंग रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आपको टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G में गेमिंग करने से पहले जान लेना जरूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो दोस्तों, हाई एंड गेमिंग का मतलब हम हमारे फोन के अंदर पबजी या फिर BGMI, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हाई एंड गेम आसानी से खेलना चाहते हैं। तो टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G के अंदर क्या हम ये गेम खेल सकते हैं, चलिए आगे पता करते हैं। पर किसी भी फोन में गेमिंग करने से पहले हमें सबसे पहले उस फोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर दिया गया है। ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है और हां दोस्तों, हाई एंड गेमिंग के लिए ये एकदम बेस्ट प्रोसेसर है। तो हाई एंड लेवल की गेमिंग आप टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G के अंदर आराम से कर सकते हो। बात करूं मैं यहां पे कॉल ऑफ ड्यूटी की, तो अगर आप टेक्नो पोवा 5 प्रो के अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी ये गेम हाई सेटिंग के साथ खेलना चाहते हो तो डेफिनेटली दोस्तों आप ये गेम हाई सेटिंग के ऊपर टेक्नो पोवा 5 के अंदर आराम से खेल पाओगे। पर अगर मैं यहां पे रिकमेंडेड सेटिंग की बात करूं दोस्तों, तो ग्राफिक्स आपको यहां पे मीडियम पे रखना है और फ्रेम रेट हाई पे रख के अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी टेक्नो पोवा 5 प्रो के अंदर खेलते हो तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस यहां पे और भी स्मूथ बन के आएगा और ना तो कोई आपको फ्रेम ड्रॉप या फिर लैग यहां पे देखने को मिलेगा। पबजी या फिर BGMI भी हम में से कई लोग अपने फोन के अंदर खेलना चाहते होगे और आप भी टेक्नो पोवा 5 प्रो के अंदर पबजी या फिर BGMI खेलना चाहोगे तो डोंट वरी दोस्तों, ये गेम भी आप आराम से टेक्नो पोवा 5 के अंदर खेल पाओगे। मैक्सिमम सेटिंग की मैं यहां पे बात करूं दोस्तों, तो ग्राफिक्स HD पे और फ्रेम रेट हाई पे रख के पबजी या फिर BGMI खेलने के ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाते हैं। पर रिकमेंडेड सेटिंग की मैं यहां पे बात करूं दोस्तों, तो ग्राफिक्स आपको यहां पे रखना है अल्ट्रा पे और फ्रेम रेट रखना है स्मूथ पे। इस सेटिंग के साथ अगर आप पबजी या फिर BGMI टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G के अंदर खेलते हो तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस यहां पे एकदम मक्खन चलने वाला है। और फ्री फायर भी आप में से कई लोग अपने फोन के अंदर खेलते हैं तो फ्री फायर भी आप टेक्नो पोवा 5 प्रो के अंदर आराम से खेल पाओगे। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम सेटिंग पे फ्री फायर आपको यहां पे टेक्नो पोवा 5 के अंदर खेलने के ऑप्शन मिल जाते हैं। पर रिकमेंडेड सेटिंग की मैं यहां पे बात करूं तो फ्री फायर आपको टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G के अंदर मीडियम सेटिंग पे रखकर ही खेलना है। इस सेटिंग के साथ अगर आप फ्री फायर यहां पे खेलोगे तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी स्मूथ बन के आएगा। रेसिंग गेम के भी हम में से कई लोग फैन है तो Asphalt 9 हाई ग्राफिक के साथ आने वाला रेसिंग गेम है, ये गेम भी आप टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G के अंदर आराम से खेल पाओगे। देखिए दोस्तों, रिकमेंडेड सेटिंग है, यहां पे आपको सारी सेटिंग मीडियम के ऊपर रखकर ही Asphalt 9 टेक्नो पोवा 5 के अंदर खेलना है। इस सेटिंग के साथ इस रेसिंग गेम का एक्सपीरियंस आपका और भी स्मूथ यहां पे बन के आएगा। अब देखिए, हम में से कई लोग हमारे फोन के अंदर सबवे सर्फर भी खेलते हैं तो डोंट वरी दोस्तों, इतने सारे हाई एंड गेम अगर टेक्नो पोवा 5 अपने अंदर आराम से चला पाएगा तो सबवे सर्फर भी आराम से आप इस फोन के साथ खेल ही पाओगे। क्रिकेट के तो बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के अंदर फैन है और क्रिकेट के गेम भी हम हमारे फोन के अंदर खेलना चाहते हैं तो रियल क्रिकेट 2022 हाई ग्राफिक के साथ आने वाला गेम है और ये गेम भी टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G के अंदर आराम से चल पाएगा। देखिए, मैक्सिमम सेटिंग के ऊपर ये गेम तो यहां पे चलने वाला है, पर अगर मीडियम सेटिंग के साथ रियल क्रिकेट 2022 गेम अगर आप टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G के अंदर खेलते हो तो ये गेम एकदम मक्खन यहां पे चलने वाला है। ओवरऑल देखिए दोस्तों, सारे टाइप के गेम आप टेक्नो पोवा 5 प्रो के अंदर आराम से खेल पाओगे। जेंशिन इंपैक्ट भी आप यहां पे आराम से खेल पाओगे। पर जो रिकमेंडेड सेटिंग मैंने यहां पे बताई है, उन्हीं रिकमेंडेड सेटिंग के साथ अगर आप टेक्नो पोवा 5 प्रो के अंदर गेमिंग करते हो तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ यहां पे होगा। ना तो आपको यहां पे कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा और ना तो आपको यहां पे कोई भी लैग यहां पे देखने को मिलेगा। हां, कुछ कुछ जगहों पर जब फोन थोड़ा बहुत हीट करने लगेगा तब आपको यहां पे थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकता है। बाकी नॉर्मली टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G के अंदर आप आराम से गेमिंग एकदम अच्छे से कर पाओगे। आपके इस फोन के गेमिंग रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर पूछे, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और अगर आप टेक ब्यूरो के ऊपर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।